हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप भी गूगल शीट में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए। बिना इंटरनेट से कनेक्ट हुए ये काम नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, एक व्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है, तो किस कारण से नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर गूगल पे चले जाइए, ठीक है, और जैसे ही गूगल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल शीट मिल जाएगा। नीचे देखिए इसी में आपको गूगल शीट मिलेगा, ठीक है। गूगल शीट को कैसे भी करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करते ही एक्सेल जैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लैंक पेज लेने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जूम कर दिया। अब यहाँ पर आपको कोई भी नाम इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ सूरज कुमार तिवारी, ये मैंने अपना नाम लिखा। और अब मैं चाहता हूँ इसको हिंदी में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इस तरीके से हो जाए। अब इसको हिंदी में करना है तो आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हुए गूगल ट्रांसलेट यूज करना है। अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिखेगा गूगल, तो जैसे ही गूगल लिखेगा तो नीचे गूगल फाइनेंस और गूगल ट्रांसलेट दो फॉर्मूले आएंगे। आपको ट्रांसलेट वाला यूज करना है, क्लिक कर दीजिए उस पर। और ये जो सेक्शन है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है वो नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, इसका सेल एड्रेस आ गया है, ठीक है। कॉमा दीजिए, यहाँ पर ये दिया किस में हुआ है, तो इंग्लिश में दिया हुआ है। इंग्लिश का कोड होता है यूएन, सॉरी ईएन, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किस में करना है, अगर मान लीजिए आपको उर्दू में करना है तो उसका होता है यूआर। तो देखिए उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि हमें हिंदी में करना है। देखिए ये उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये उर्दू में भी कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी के लिए जो कोड होता है वो होता है ईएन, क्या होता है, सॉरी एच आई, क्या होता है हिंदी के लिए, एच आई होता है। तो एंटर करिए और देखिए ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है।